हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी का जो जीडी का पेपर होता है उसको हल करेंगे और इसका एक सैम्पल पेपर हम लोग कवर करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, इनमें से हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें जो सही आंसर है वो हमें बताना है। 7 अप्रैल है या 7 मई है या 1 अप्रैल है या 1 मई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 अप्रैल। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, यानी असहयोग आंदोलन है जो गांधी जी ने कब शुरू किया था। तो ये किया था 1920 में। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कयक इनमें से किससे संबंधित है। जो कयक जो है वो किससे संबंधित है, तो कयक है नाव से संबंधित। ठीक है, बी है इसका आंसर, नाव से संबंधित। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये नासिक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी के। ठीक है, जो गोदावरी नदी है उसके तट पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 1 घंटे का समय हमें मिलता है, लेकिन हम 1 घंटे का समय नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट में हम लोग इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज़ है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, INS तरंगिणी, INS विराट, INS गरुड़ और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है INS तरंगिणी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, हमें ठीक से याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सा दस्तावेज़ भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण करता है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है 9th, एक है 11th और एक है 8th और एक है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8th। ठीक है, इसका सही आंसर सी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है, तो आप इन्हें ठीक से याद कर लीजिए, कमानों की संख्या है 7। ठीक है, आप ठीक से याद कर लीजिए, कमानों की संख्या 7 है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जिम कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये जिम जो कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो सही आंसर है वो हमें करना है। ठीक है, इसका सही आंसर है उत्तराखंड। हम इन ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इन ऑप्शंस को पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है, हमें सिर्फ उत्तर से मतलब है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11, सऊदी अरब की मुद्रा है। तो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम आप बताइए, दिनार है, लीरा है या रियाल, इन तीनों में से एक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सी, रियाल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी, इनमें से कौन सी थी, इसका सही आंसर हमें बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइड जो पुस्तक है उनका उनके लेखक कौन है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इसका सही आंसर जो है वो है बी, आर के नारायण। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14, और सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं, यानी सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, सेना कमांडर होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो इसका इनका जो सही आंसर है वो है बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया के होने का क्या कारण है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बांझ
विरोधी विटामिन का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो विटामिन ई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। तो ये साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इससे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कर रहे थे, और ये भी साइंस का क्वेश्चन है और ये भी साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बल, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध है डब्लू बराबर एफ इंटू एफ, डब्लू बराबर एफ इंटू एस। ठीक है, एफ इंटू एस, इसका सही आंसर है ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा रसायन है जो पौधों से प्राप्त होता है, इसका ना इनमें से चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही करना है हमें। कुनेन है, एस्पिरिन है या इंसुलिन है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है कुनेन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से क्या क्या मापा जाता है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन है, हवा की गति, बारिश, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भूकंप, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गैस सोडा और सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन एक अदिश मात्रा है, अदिश मात्रा जो है इसका हमें चूज कर हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी एक अदिश मात्रा है, कौन सा एक अदिश मात्रा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, यानी गति। इसका सही आंसर है ए, गति। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो है लोहा। ठीक है, इसका आंसर है बी। हम लोग बाकी के ये नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ में पढ़ रहे हैं और कुछ में नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर लोहा है। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो इसमें ये भी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो इनमें है इसका जो आंसर है वो हमें बताना है। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, उत्तक, कोशिका, अंग या अंग प्रणाली। जो इसका सही आंसर है वो है कोशिका, ये हम सभी जानते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है। तो इसका आंसर है किडनी, यानी गुर्दा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है, ये हमें बताना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा के होने के कौन कौन सी गैसों के कारण होती है अम्ल वर्षा, ये हमें इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है NO2, SO2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है। तो विद्युत की जो प्रवाह है वो किससे मापी जाती है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, वोल्टमीटर, एमीटर और एनोमोमीटर, और एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एमीटर, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, बी जो है इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राथमिक रंग है, तो इनमें से प्राथमिक रंग कौन से हैं ये हमें बताना है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ने में टाइम लगेगा चार ऑप्शंस को, तो हमें सही आंसर है वो पता लगा लेना चाहिए कि लाल, नीला और हरा, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर बी है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका आंसर है, पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के सामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर है हार्मोन। ठीक है, हार्मोन है जो सामान्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है मानव शरीर में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी हमारी जो हवा व पर्यावरण है उसमें कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 0.04। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं वापस, इसे थोड़ा जूम करने में टाइम लगेगा, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 31 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को हम पढ़ते हैं। इसमें साइंस के क्वेश्चन हमने देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये हम काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसका, चलिए हमें
ऑप्शंस चार दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर है सी, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्यों में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमें बताना है कि ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी, यानी 639, 693, 300 और 369। इसका जो सही आंसर है वो है 639, इसका सही आंसर ए है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? यानी जो दूध है वो दही में परिवर्तित तो हो जाता है, तो कौन सा जीवाणु इसमें कार्य करता है? तो इसमें कौन, ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, वायुजीवी, ई कोलाई और लैक्टोबेसिलस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टोबेसिलस। ये हमें ठीक से याद कर लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 12 और 20 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा? तो इसमें हम इसे मैथ की दृष्टि से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम इसके सिर्फ आंसर कर लेते हैं। और आप क्या करना है, इसको उतार लीजिएगा किसी कॉपी या पेन लेकर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर, और बाद में हल कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको बता दें, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर है बी, 5:1। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे? यानी 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुषों को उस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो इन हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 60 घंटे, 55 घंटे, 62 घंटे और 58 घंटे। ठीक है, इनका जो सही आंसर है वो है ए, यानी 60 घंटे, 60 घंटे लगेंगे 15 आदमियों को ये काम पूरा करने के लिए। ठीक है, यानी हमें वो जो काम का मैथ्स है, काम करने के लिए जो हमारे मैथ्स आती है काम से संबंधित, तो हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जीडी का यदि आप पेपर दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा कि मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए, सॉरी मैथ्स के नहीं हैं इतने, लेकिन इसके साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो आपको साइंस ठीक से पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, पहले सात, थोड़ी सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया, पहले सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है, यानी पहली जो सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन हमें दिए गए थे, तो इसे आपको हल कर लेना है, और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है 20। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इनको हल करना है हमें। ठीक है, तो इसको आप ठीक से उतार लीजिएगा और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है 230, और इसको आप ठीक से उतार लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसे आपको बताने से 343 × 343 बताने से कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि जीके और साइंस के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 68061 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए, बन सके? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, यानी 4 बनते जोड़ते ही इस संख्या में क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो है कि 10 वर्षों में ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु उम्र क्या है? ये एक प्रकार से मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है और मैथ्स का भी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 39 वर्ष। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और बाद में इसे ठीक से कर लीजिए, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 42 है ये, और इसका जो आंसर है वो है बी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, गणित में 85% और 75% दोनों दोनों में। ठीक है, अंग्रेजी और गणित में अगर 40% छात्र दोनों विषयों में विषय में उत्तीर्ण है अनुत्तीर्ण है,
कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन हमें आने भी चाहिए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ और क्वेश्चन आपको करना होगा। तो इसका जो आंसर है वो है, ठहरिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो है ए यानी 400। अगला जो क्वेश्चन है वो है 6.46 का आंशिक रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी यानी 649/100। ठीक है, ये इसका 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 649/100। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का महत्तम समापवर्त्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2/81। इसका सही आंसर बी है। इस प्रश्न को भी आप उतार लीजिए और बाद में इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार 108 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। यानी एक कार जो है 108 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी या तय कर पाएगी। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा या आपको कहीं देखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसका सही आंसर है 450। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है किसी राशि पर प्रतिवर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है। तो इसका हमें सही आंसर बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपर्याप्त जानकारी, यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में नहीं दी गई है, इस ऑप्शंस में नहीं है इसका जो आंसर है वो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इनमें से एक सही क्वेश्चन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है उसका जो सही आंसर है वो है सी यानी 75%। अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी, 75% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 49, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो है अगर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका मतलब एक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी हमें पढ़ लेनी चाहिए यदि हम जो इंडियन आर्मी जीडी का पेपर दे रहे हैं। तो सो इसका जो सही आंसर है ये हमें पता लगाना है। इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है 60, 30, सी 45, डी 90। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसका सही आंसर है सी यानी 45। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है। तो एक गोलार्ध है उसका घुमावदार सतह क्षेत्र इनमें से कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो है ए, दूसरा बी, सी, डी। यानी ए ऑप्शन है वो 3π r², 2π r², 4π r² या π r². तो इसका हमें सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है बी, 2π r², 2π r². ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए ऐसे वीडियोज़ मिल रहा था।